subscribe to our channel for latest video series on GATE, UGC, NET and more. Also press the bell icon so that you never miss an update on any latest video. For more information, you can visit our website or call on the numbers below. हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ये टॉपिक टेंथ क्लास का, टेंथ मैथ्स का, पॉलिनोमियल्स. आप सभी का स्वागत है डिजिमेंटो एजुकेशंस में. और अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, इसके कुछ फॉर्मूले, कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स. तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली जो है वो रिलेशन बताता है. पॉलिनोमियल्स का मतलब है कोई इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो, तो जो कि एक कोई रिलेशन को एक्सप्रेस करें. पॉलिनोमियल्स किसी वर्ड इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर किसी दो वेरिएबल्स में रिलेशन बता सकते हैं. ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए बेसिकली पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होता है? वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. तो वेरिएबल्स को हम जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग अल्फाबेट्स एक्स, वाई, जेड, समटाइम्स यू, वी, डब्ल्यू. कॉन्स्टेंट्स मतलब ए, बी, सी, या फिर किसी किसी इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स की जगह हम डेफिनेट नंबर्स लेंगे, 1, 2, 3, कोई इंटीजर्स. ठीक है, वो भी हम ले सकते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इक्वल टू का साइन. हर पॉलिनोमियल में, रिलेशन में एक इक्वल टू का साइन लगाते हैं. तो आप लोगों ने नाइन्थ में शायद ये पढ़ा भी होगा, लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताता है? किसी इक्वेशन में, किसी पॉलिनोमियल में जो भी किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पॉसिबल पावर, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल. ठीक है, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं. पहले हम देखेंगे कि इन एग्जांपल्स में से कौन कौन से जो सम है, इक्वेशंस हैं, वो पॉलिनोमियल्स हैं, और अगर वो पॉलिनोमियल हैं तो उनकी डिग्री क्या है. ठीक है, ऐसे जब हम लिखते हैं इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन एक्स या फिर फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, या फिर वाई या एफ एक्स या पी एक्स, इन सब का मतलब है कि ये एक्स में एक पॉलिनोमियल है, एक्स में एक इक्वेशन है. हम देखेंगे इनको एक एक करके कि इनमें से कौन सा वैलिड पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है. यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल में क्या ज़रूरी है कि जो भी वेरिएबल है, जैसे कि इन सभी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल एक्स है, तो वेरिएबल की जो पावर है वो इंटीग्रल पावर हो और पॉजिटिव पावर हो. केवल जब वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और इंटीग्रल होगी, इंटीग्रल मतलब 1, 2, 3, फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकती है, 1.5, 0.5, 2.5 ऐसी पावर नहीं हो सकती है. कोई ना कोई इंटीजर ही इसकी पावर होनी चाहिए, प्लस पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. मतलब ये जो वेरिएबल है ये हमेशा न्यूमरेटर में ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता. तो जब ऐसा होगा तब हम बोलते हैं कि ये एक वैलिड पॉलिनोमियल है.
उसके बाद अगर आपको डिग्री बतानी है तो डिग्री क्या बताती है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल है एक्स, इसकी पावर है 1, जो कि इंटीग्रल भी है और पॉजिटिव भी है। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 1, डिग्री 1। फिर इसमें देखिए, इसमें ये 7 इसके डिनोमिनेटर में है, 7 डिनोमिनेटर में है, लेकिन जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में ही लाई कर रहा है, न्यूमरेटर में ही प्रेजेंट है। तो यहाँ एक्स की पावर जो है वो पॉजिटिव भी है और इंटीग्रल भी है। डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर पॉजिटिव है, इंटीग्रल है, तो इसलिए वैलिड पॉलिनोमियल है विद डिग्री 1, हाईएस्ट पावर 1। सिमिलरली ये भी एक वैलिड पॉलिनोमियल है विद डिग्री 2, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो x है ये डिनोमिनेटर में लाई कर रहा है, न्यूमरेटर में नहीं है, तो इसकी जो यहाँ पर पावर है वो पॉजिटिव पावर नहीं है, नेगेटिव पावर है, इसलिए ये वैलिड पॉलिनोमियल नहीं है, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। सिमिलरली यहाँ पर इसकी जो पावर है वो इंटीग्रल नहीं है, मतलब 1, 2, 3 ऐसी पावर नहीं है, इसकी पावर 1/2 है, जो कि अलाउड नहीं है, तो ये भी वैलिड पॉलिनोमियल नहीं है फॉर सिमिलर रीजंस, क्योंकि यहाँ पर पावर 1/3 है, ये एक वैलिड पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर इन इस वेरिएबल x है इस इक्वेशन में, प्लस उसकी पावर है 2 और 3, तो ये वैलिड पॉलिनोमियल है, प्लस इसकी डिग्री हो जाएगी 3, 3 एक्स की हाईएस्ट पॉसिबल पावर है, तो इसलिए इसकी डिग्री 3 है, और इस इक्वेशन लास्ट इक्वेशन इसमें डिग्री 2 है। इस कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कभी कभी अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी इक्वेशन दी है, यहाँ पर इसका जो कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ये ज़्यादा है, ये 5 है, इसका कोफिशियंट 1 है, पर हमें कोफिशियंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल कंसर्न जो है, जो मतलब है हमें खाली पावर से है। जिस भी हाईएस्ट पॉसिबल पावर में आपको दिख रहा है, जो भी हाईएस्ट पॉसिबल पावर दिख रही है, वही उस इक्वेशन की डिग्री होगी, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री 3 ही होगी, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री 1 के पॉलिनोमियल्स, जिन्हें हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक मतलब जिनकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, उनके बारे में। तो कोई भी पॉलिनोमियल जो कि इस फॉर्म का होगा, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म जो है वो इस टाइप की होगी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इस टाइप की फॉर्म क्यों होगी, क्योंकि हमने बोला कि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि डिग्री कितनी होगी, डिग्री 1, मतलब हाईएस्ट पॉसिबल पावर जो वेरिएबल की है, जो अच्छा ठीक है। एक और बात जो आप यहाँ समझ सकते हैं, हम जो डिग्री में वेरिएबल की बात कर रहे हैं वो हमारा ये आरएचएस वाला वेरिएबल है, जिस जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर एक्स जो है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, ये अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यूज़ ले सकता है। ये क्या वैल्यूज़ लेगा, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी पावर ही डिग्री डिसाइड करती है। जो हमारा वाई है यहाँ पे, वाई क्या वैल्यूज़ लेगा, ये एक्स पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि एक्स ने क्या वैल्यू ली है। तो जो वाई है वो हमारा कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसकी पावर से डिग्री डिसाइड नहीं होती है, प्लस इसकी पावर जनरली जो हम देखेंगे अभी इस लेवल पे हमेशा 1 ही होती है। तो इसकी पावर से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिसाइड नहीं होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो आरएचएस में वेरिएबल है, एक्स है, इसकी पावर से डिसाइड होगी। तो हमने क्या बोला, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कि जिनकी डिग्री 1 हो, यानी हाईएस्ट पावर जो एक्स की है वो
1 होगी हमारी, तो वो इसी टाइप का कुछ इक्वेशन होगा, क्योंकि x की पावर 1 है तो यानी x की तो एक ही टर्म होगी, x से ज़्यादा पावर, 1 से ज़्यादा पावर वाली टर्म्स हो नहीं सकती हैं, तो 2, 3 वाली टर्म्स होंगी नहीं, x की पावर 0 यानी कि 1 उसकी एक टर्म, तो मैक्सिमम 2 टर्म्स इसके RHS में होंगी, ठीक है। ए एक्स प्लस बी ये जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है, ठीक है। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इस टाइप के इक्वेशन के, y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, 3x माइनस 6, 2x माइनस 8, ठीक है। ये सब जो है y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू x, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल्स के। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिनकी डिग्री 1 है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर जो है मैक्सिमम पावर वो 1 है। अब इसमें हमने देखिए, जब भी हम इस टाइप की इक्वेशन का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ग्राफ मतलब आप लोगों ने देखा होगा ग्राफ पेपर में, उसमें बार्स रहते हैं, कुछ क्रॉस चेक्स टाइप के रहते हैं, उस पर आप कोई भी इक्वेशन को, पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, है ना। इस टाइप का ग्राफ, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। जहां ये दोनों एक्सिस मिलते हैं इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन। अब इन इन दोनों एक्सिस पे अपने अपने नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है ओरिजिन के जो पोजीशन है, पोजीशन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 रहते हैं। फिर ये एक्स एक्सिस पे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर्स पॉजिटिवली इंक्रीज करते हैं, ये 1 हो जाएगा, 2, 3, ठीक है, इस तरह से नंबर्स इंक्रीज करते हैं। सिमिलरली जैसे जैसे हम वाई एक्सिस पे ऊपर बढ़ते हैं, इस पे भी नंबर्स इंक्रीज करेंगे हमारे, ठीक है। तो अब सपोज हम किसी इक्वेशन का, मेरे पास एक इक्वेशन थी, इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं। एक डेफिनेट लाइन बनाने के लिए, एक यूनिक लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 यूनिक पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि एक सिंगल पॉइंट से पास करती हुई इनफाइनाइट लाइंस हम बना सकते हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ ये एक पॉइंट है, इससे पास करते हुए कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो इनफाइनाइट लाइंस, सी इस तरह, है ना, आधा इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 2 पॉइंट्स दे दूं, इन 2 पॉइंट से पास करती हुई खाली एक सिंगल यूनिक लाइन पॉसिबल है, इसके अलावा कोई भी लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते जो इन दोनों पॉइंट से पास करे। तो इसी का कन्वर्स, इसी का उल्टा भी ट्रू है कि कोई भी एक यूनिक लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो सेफ साइड हम 3 पॉइंट्स यहाँ कंसीडर करते हैं। अब मैंने बताया कि ये जो इक्वेशन है इसमें x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये कोई भी वैल्यूज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ y क्या वैल्यूज़ ले रहा है ले सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, x की कुछ वैल्यूज़ अपनी मर्जी से कंसीडर करेंगे और फिर देखेंगे उनके अकॉर्डिंग कि y की क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैंने कंसीडर किया 4। अब जब मैं x को 4 रखती हूँ इस इक्वेशन में, तो मैंने देखा y 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, x पे 4 यूनिट्स और y पे 0 यूनिट्स। इस पॉइंट का जो हम नाम लिखते हैं वो हो जाता है 4, 0। किसी भी पॉइंट को, इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ग्राफ पेपर जो भी आपका होता है, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमेशा क्या होता है, पहले उसका x कोऑर्डिनेट फिर उसका y कोऑर्डिनेट, x, y। हमेशा किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, x, y। तो एक पॉइंट हमारे पास आया 4, 0। अब दूसरा पॉइंट मैं लेना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया सपोज 5, 5। अब मैं इस x को 5 रखती हूँ तो मैं देखती हूँ y मेरा क्या हो जाता है, 2 यूनिट। फिर एक पॉइंट मैं कंसिडर कर रही हूँ इस पर 3, इसको मैं 3 रखूँगी तो ये 6 माइनस 8 y कितना हो जाएगा,
माइनस टू, जस्ट मैं यहाँ एक्स की कुछ वैल्यूज अपनी मर्जी से कंसिडर कर रही हूँ, उनको इस इक्वेशन में पुट करके देख रही हूँ कॉरस्पॉन्डिंगली वाई की क्या वैल्यूज है। अब हम इनको प्लॉट करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 2, सिमिलरली ये पॉइंट का नाम हो जाएगा 3, -2। अब हम कोशिश करते हैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करने की। पहला पॉइंट है हमारा 4, 0। 4, 0 का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे मुझे 4 यूनिट्स चलना है, वाई एक्सिस पे मुझे 0 यूनिट्स चलना है। तो हम हमेशा जब भी चलना शुरू करेंगे, हम चलना शुरू करते हैं ओरिजिन से, ठीक है। हमेशा जब भी हम चलना शुरू करेंगे, हम यहाँ खड़े रहेंगे ओरिजिन पे, जितना बोलेंगे उतना चलेंगे। तो ओरिजिन से जब 4 यूनिट्स चलेंगे, प्लस 4 मतलब राइट, प्लस 4 यूनिट्स चले तो हम यहाँ पहुँच गए एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे कितना चलना है, 0, यानी कि खाली राइट जाना था, ऊपर नहीं जाना है, तो यहीं रुक जाएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट है हमारा 5, 2। फिर से कहाँ से चलना शुरू करेंगे, ओरिजिन से। कितना यूनिट्स चलेंगे राइट में, 5 यूनिट्स, एक्स पे 5 मतलब राइट में 5। तो पहले यहाँ सर चले, 5 यूनिट्स चल के यहाँ पहुँच गए। अब वाई पे कितना चलना है, 2 यूनिट्स, वाई पे 2 यूनिट्स मतलब 2 यूनिट्स ऊपर उठना है। तो यहाँ से मैं 2 यूनिट्स ऊपर उठूंगी, 2 यूनिट्स ऊपर उठी तो कितना आ गए, 5, 2। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 5, 2। अब लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट है हमारा 3, -2। अब -2 का मतलब क्या है, अगर ऊपर जा रहे थे तो पॉजिटिव थी वैल्यूज, अब अगर नेगेटिव वैल्यूज चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे, यानी कि ओरिजिन से ऊपर जाने की जगह अब हमें कहाँ जाना होगा, नीचे जाना होगा, ठीक है, वाई एक्सिस पे। इसे बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ऐसे ही अगर इस एक्सिस को मैं एक्सटेंड करूँगी तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। अब देखिए इसमें हमें कितना चलना है, x पे कितना चलना है, 3 यूनिट्स, तो राइट में 3 यूनिट्स चले, यहाँ पहुँचे। फिर y पे कितना चलना है, -2, -2 मतलब नीचे जाना पड़ेगा 2 यूनिट्स। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, 3, -2। इस तरह हम पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। अब जब मैं इनको ज्वाइन करूँगी, तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन बनी है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू 2x-8, y इज इक्वल टू 2x-8। तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले y को अकेला करना होगा, इधर y के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये अलोन होना चाहिए, इसके साथ कोई भी कोफिशियंट 2, 3, 1 कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर कुछ है तो इधर ले जाके उसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम एक्स की कुछ वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं अपने मन से, कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ जो भी आपको सुटेबल लगे इक्वेशन के लिए, ट्राई करेंगे कि वैल्यूज़ आसपास की हो जिससे ग्राफ पे इजीली प्लॉट हो सके, उनके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ देखते हैं कि वाई की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। पॉइंट्स जब हमारे पास आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, उनको पहले ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे चलेंगे और फिर वाई कोऑर्डिनेट देख के वाई एक्सिस पे चलेंगे। जहाँ पे भी पहुँचेंगे वही हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। फिर इन पॉइंट्स को जॉइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमेशा ही स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अगर आप स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं, कोई भी और शेप ऑब्टेन कर रहे हैं, इसका मतलब आपने पॉइंट्स गलत कंसिडर किए हैं, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी यही इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब बात आती है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, इन सब का मतलब क्या है, एक ऐसी वैल्यू एक्स की, एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, एक्स की एक ऐसी वैल्यू जहाँ वाई ज़ीरो हो जाए। तो क्लियरली इस इक्वेशन के लिए हम देख सकते हैं कि जब हमने x को 4 रखा था, x को हमने 4 रखा तो हमारा y क्या हो गया था, 0 हो गया था। x को 4 रखने पे y 0 हो गया था, या इक्वेशन की वैल्यू 0 हो गई थी। इसका मतलब क्या है,
वो पॉइंट जहाँ पर हमारी लाइन, जहाँ पर हमारी इक्वेशन एक्स एक्सिस को कट करेगी, जिस कोऑर्डिनेट पे हमारी इक्वेशन एक्स एक्सिस को कट करेगी। 4,0 पे हमारी इक्वेशन एक्स एक्सिस को कट कर रही थी ना, तो जिस भी पॉइंट पे हमारी इक्वेशन एक्स एक्सिस को कट करेगी उसी को हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो और सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरो और सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर ये इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उन पॉइंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी एक्स की ऐसी वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन में रखने पर वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। यानी हमेशा ही हमें क्या करना है, कोई भी अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, तो y को क्या बनाना चाहते हैं हम, ज़ीरो। y को ज़ीरो बनाना चाहते हैं, ज़ीरो रख देते हैं, तो x की वैल्यू हमेशा ही क्या आने वाली है, माइनस बी बाय ए। हमेशा ही x क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। तो ये इसे क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कि इस एक्स की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशियंट्स ऑफ इक्वेशन में क्या रिलेशन आ गया है, कि जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा हमेशा ही। प्लस एक और बात जो हम नोट कर सकते हैं वो ये है कि क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 थी, इसलिए हमें केवल इसका एक ही ज़ीरो मिला। इसका एटमोस्ट 1 0 पॉसिबल है, एक से ज़्यादा ज़ीरो इसका पॉसिबल नहीं है। जब हमने इस इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ किया था तो हमने देखा था कि वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा था, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ये हमेशा ही क्या होंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से कम होंगे या एट मैक्स उसके इक्वल होंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से कम या उसके इक्वल होंगे। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे उसके जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे उसके, 3 जीरोस होंगे। और उनका भी इसी तरह, जिस तरह हमने ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट में रिलेशन निकाला है, उनका भी हम इसी तरह से एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा उस पर, जिससे कि क्लियर हो कि जो अभी तक पढ़ा वो समझ आया है नहीं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।